आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। उत्तर प्रदेश में इस बार कम बारिश होने से खरीफ फसलों के उत्पादन में खासी गिरावट की आशंका से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। लगभग पूरा जून बारिश नहीं होने और जुलाई में भी बहुत कम बारिश होने के कारण खरीफ सत्र की फसल में विलंब हो गया है, जिसका असर आगामी रबी सत्र पर भी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछली 1 जून से 29 जुलाई के बीच सिर्फ 170 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य स्तर यानी 342.8 मिलीमीटर का लगभग 50% ही है। इस अवधि में प्रदेश के कुल 75 जिलों में से 67 में औसत से कम बारिश हुई। सिर्फ 7 जिले ही ऐसे हैं जहां वर्षा का स्तर सामान्य रहा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस दफा कम बारिश होने की वजह से खरीफ की फसल पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले 29 जुलाई तक प्रदेश के कुल 96.03 लाख हेक्टेयर कृषि रकबे में से 72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई, जिसमें से 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल बोई जाती है, मगर बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपाई पिछड़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बताया कि प्रदेश में इस साल 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई की गई है, जो कि कुल क्षेत्र का लगभग 65% है। मॉनसून में देर होने और कम बारिश के कारण ऐसा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में मॉनसून अब सक्रिय हो गया है और अगर इस हफ्ते सामान्य वर्षा जारी रही तो 90% क्षेत्र में धान की रोपाई हो जाएगी। हालांकि इस वक्त प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है, लेकिन जून और जुलाई में बहुत कम बारिश होने की वजह से किसान सूखे की आशंका से परेशान है। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के नारी बेहदन गांव के किसान ने कहा, हम आमतौर पर जून के पहले हफ्ते में नर्सरी में बीज बो देते थे और जुलाई के पहले हफ्ते में खेत में उसकी रोपाई भी कर दी जाती थी। खेत 10 जुलाई तक बारिश के पानी से भर जाया करता था, लेकिन इस साल रोपाई करना तो दूर। बारिश की कमी के कारण हमारे पौधे नर्सरी में ही खराब हो गए। साथ ही विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल धान की फसल में गिरावट का प्रमुख कारण खेतों में धान की रोपाई होने में विलंब को ठहराया जा सकता है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के प्रमुख वैज्ञानिक ने बताया कि खेत में धान की रोपाई का आदर्श समय 25-30 दिन का होता है। एक बार जब पौधा नर्सरी में परिवक्त हो जाता है तो इसे देर से रोपे जाने पर उसके फलने फूलने की संभावना कम हो जाती है। वहीं राज्य के विभिन्न हिस्सों में धान बोए जाने वाले किसानों का कहना है कि कमजोर मॉनसून की वजह से उन्हें धान के पौधे को नर्सरी से निकालकर खेत में रोपने में 40-50 दिन का समय लग गया है। वहीं बता रहे कि मऊ जिले के किसान ने बताया कि हम सूखे खेतों में धान की रोपाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास बारिश का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साथ ही आमतौर पर 1.5 एकड़ क्षेत्र में धान की रोपाई करता था, लेकिन इस बार किसान ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 1 एकड़ में क्षेत्र की रोपाई की है। उत्तर प्रदेश में इस साल 29 जून तक या तो बहुत कम बारिश हुई या फिर हुई ही नहीं। पिछले 30 जून और 5 जुलाई को सामान्य वर्षा जरूर हुई, लेकिन उसके बाद मॉनसून कमजोर पड़ गया और 23 जुलाई तक लगभग सूखे जैसे हालात रहे, जबकि यही समय धान की रोपाई के लिए आदर्श समय होता है। कमजोर मॉनसून का असर अरहर और मक्के जैसी फसलों पर भी हुआ है। बारिश नहीं होने की वजह से मक्के के अंकुर फूटने के बाद सूख गए ये, और साथ ही जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान अरहर और मक्के की फसल को लेकर चिंतित है, वहीं पश्चिम के किसानों को अपनी गन्ने की फसल को लेकर फिक्र हो रही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने बताया कि कम बारिश होना निश्चित रूप से गन्ना किसानों के लिए चिंता का विषय है। इसका गन्ने के विकास पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं होगा। प्रदेश में सूखे जैसे हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा था कि सरकार को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।